जिस तरह हमने आपको सिखाया है कि उम्मीद का दामन आपने नहीं छोड़ना, आपने हमारे साथ रहना है। अगर हम आपके साथ रहे और अगर आप हमारे साथ रहे तो इंशाल्लाह चलते चलते वी विल बी एबल टू हेल्प यू टू बिकम सक्सेसफुल। याद रखिएगा कि ये एक जर्नी है, इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, इस जर्नी में हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी हमारे साथ रहें और आप भी हमारे साथ अपनी टेंशंस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां शेयर करते रहें। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, अपनी सक्सेसेस भी हमारे साथ एज अ कम्युनिटी शेयर करें। दिस इज़ अ कम्युनिटी दैट हैज़ नेवर बीन मेड बिफोर। तो अगर आप हमारे साथ ये कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे तो मिल के सीखेंगे, मिल के काम करेंगे, मिल के पैसे भी बनाएंगे और मिल के वी विल बिकम सक्सेसफुल। अब आते हैं वापस इस टॉपिक पे जिसका नाम है अर्निंग मनी विद ब्लॉगिंग एंड गेस्ट पोस्ट। सो एक तरीका, वन ऑफ द ग्रेट वेज दैट यू कैन ईजिली मेक मनी एज अ राइटर इज बाय राइटिंग पोस्ट्स फॉर अदर्स ऑनलाइन। भाई आप किसी और के लिए कॉन्टेंट लिखें और उससे आप पैसे बना सकते हैं, बट आपका ये क्वेश्चन है कि ये तो कॉन्टेंट राइटिंग के कोर्स में सिखाया जा रहा है तो वर्डप्रेस का इससे क्या ताल्लुक है? भाई जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे दैट इज़ वर्डप्रेस। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस से पैसे कैसे बनाते हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे बनाते हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि गेस्ट ब्लॉगिंग से पैसे कैसे बनाते हैं। ये लफ्ज़ आप बड़ा सुनेंगे, गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग। तो क्वेश्चन आया आपके दिमाग में, क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है। सो गेस्ट पोस्टिंग मीन्स राइटिंग एंड पब्लिशिंग एन आर्टिकल ऑन समवन एल्सेस वेबसाइट और ब्लॉग। हैं, मैं किसी और की वेबसाइट पर जाके लिखूंगा तो भाई मैं अपनी वेबसाइट क्यों ना बना लूँ? सो ये हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे, बट द रीज़न पीपल राइट गेस्ट पोस्ट ऑन अदर्स ब्लॉग इज ताकि वो अपने लिए बैकलिंक्स जनरेट कर सकें विच एक्चुअली हेल्प विद एसईओ। और साथ ही साथ आप इससे पैसे वैसे भी बना सकते हैं, यू कैन चार्ज फॉर द गेस्ट आर्टिकल्स दैट यू राइट। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देर हु नीड टैलेंटेड राइटर्स एंड दे वॉन्ट दीज पीपल टू कम एंड पब्लिश ऑन देयर ब्लॉग इन स्पेसिफिक नीशेज as a writer. So you can make a lot of money if you find the blogs jin pe wo aapko guest posting ki option de rahe hain. And there are various reasons people might need you to guest post for them. Some people need traffic. Bhai kuch aise log hote hain jinko apni site pe acche articles chahiye hote hain aur wo uske liye guest post ya guest author ko hire karte hain ki wo us pe aake post likhe. Some need exposure and authority. Some do it for branding purposes and some do it for backlinks. Maine aapko different sites ki abhi tak example diye hain, mangobars.com, propakistani.pk, techjuice.pk. aur aapke liye main ek choti si assignment yahan pe chhodta hu ki aap jaake dekhein ki kya maine unke liye koi guest post likhi. I have actually written guest posts for a few blogs in Pakistan. There are always people who need writers to write quality content. और वो उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं। भाई जिधर जिधर अच्छा content needed है वहाँ पर आप पैसे बना सकते हैं। As a writer, you will need to understand one thing, and that one thing is that the web is evolving. Internet change हो रहा है रोज़ बरोज़, नई नई technologies आ रही हैं, नई नई चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और चूंकि नई नई चीज़ें आ रही हैं, इसी तरह आप नई नई तरह का कंटेंट लिख सकते हैं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा अपनी एक दोस्त के बारे में जिसका नाम है हिरा सईद। सो हिरा सईद इज़ आल्सो अ वर्डप्रेस सुपर हीरो। अनफॉर्चुनेटली हम उनको अपने साथ सेगमेंट इसलिए नहीं करवा सके बिकॉज शी इज़ आउट ऑफ कंट्री, बट हिरा ने ये देखा कि वो गेस्ट ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे बना सकती है and now she is one of the top earning females in Pakistan on Upwork and she runs a private publishing house as well. Wo karti hi hain ki wo dekhti hain ki kaun kaun se topics trending mein hain such as cryptocurrency aur us pe wo jaake likhti hain aur us likhne se she is able to generate revenue. Dekhiye kitna zabardast tarika hai.
So now the very simple question is कि मैं अपनी guest post के लिए clients कैसे ढूंढूं? There are several factors that come into place when finding clients who are willing to pay you. The first kind of people that are most likely to be interested in your guest post expertise या guest blogging expertise are SEO companies. क्योंकि SEO companies आपसे चाहती हैं कि आप अच्छा content लिखें और उनके लिए post करें. Some of these SEO companies have a lot of clients. और इनके पास इतना ज़्यादा काम होता है कि इतना आपके पास time भी नहीं होगा. You will have hands full all the time. The next option are big brands. याद है आपको मैंने sponsored post की एक example दी थी. वैसे ही बड़े brands आपके पास आ सकते हैं and they might ask you कि आप उनके लिए या उनके बारे में article लिखें किसी और blog पे. So they are able to generate exposure for their brand and you are able to earn dollars for yourself. So ये कुछ तरीके हैं जिससे आप पैसे बना सकते हैं. इसके अलावा आप as a professional blogger भी किसी के लिए काम कर सकते हैं या हो सकता है कोई professional blogger आपको hire करे अपनी website के लिए article लिखने के लिए. The other category are marketing companies. वो companies जिन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए आर्टिकल्स लिखवाने हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखवानी है. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू फाइंड स्पॉन्सर्स. अपने लिए आप कैसे जो है एक गेस्ट पोस्ट के लिए ढूंढेंगे? तो आप वही करेंगे, आप जाएंगे और आप उन ब्लॉग्स को सर्च करेंगे जिन पे आप अपनी स्पॉन्सर्ड पोस्ट लिखना चाह रहे हैं एंड यू विल जस्ट रीच आउट टू देम एंड यू विल आस्क कि क्या वो कंपनी कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट या गेस्ट ब्लॉग लिखवाना चाह रही है कि नहीं. एंड इफ दे से दैट दे वांट टू देन यू विल जस्ट टेल देम देयर रेट. इन सम केसेस यू माइट गेट अ बैक लिंक विदाउट गेटिंग एनी पेमेंट फॉर योर गेस्ट ब्लॉग. तो आप पूछेंगे उससे कि मैं पेमेंट के बगैर क्यों किसी के लिए कोई ब्लॉग लिखूँ? भाई वो इसलिए बिकॉज आप एक बैकलिंक जनरेट कर रहे हैं उस पोस्ट से और उस बैकलिंक की बड़ी इम्पॉर्टेंट वैल्यू है और वो इम्पॉर्टेंट वैल्यू आप मिस नहीं करना चाह रहे. सो गेस्ट पोस्ट आप किसी और के लिए भी लिख सकते हैं. इसी तरह आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा पॉपुलर करवाने के लिए लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं कि वो आपकी साइट पर आके गेस्ट पोस्ट लिखें. इनफैक्ट इफ़ यू अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी तो आपके पास तो कभी कंटेंट की कमी ही नहीं होगी. यू विल हैव पीपल विलिंग टू राइट फॉर यू ऑल द टाइम बिकॉज दे वांट टू गेट अ बैक लिंक फ्रॉम योर साइट. इसकी बड़ी एक सिंपल सी और अच्छी एग्जांपल है beingguru.com व्हिच इज रन बाय हिशाम सर्वर. सो हिशाम सर्वर की ये जो साइट है beingguru.com उस पर हिशाम ने गेस्ट ब्लॉगिंग की फीचर इनेबल की हुई है. सो एनी पर्सन हु हैज़ कॉन्टेंट टू शेयर जो कि लिखना चाहता है, जो दुनिया के साथ अपनी आवाज़ शेयर करना चाहता है, वो उनकी वेबसाइट पे जाके कंटेंट पब्लिश कर सकता है और उससे एक बैकलिंक ले सकता है. दैट बैकलिंक विल गिव अथॉरिटी टू दैट पर्सनस वेबसाइट. सो ये कुछ डिफरेंट तरीके हैं गेस्ट ब्लॉगिंग के. ब्लॉगिंग से पैसे कमाना आसान भी है और ज़रूरत भी. ज़रूरत का लफ्ज़ मैं यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जो एग्जिस्ट करती है, तो क्यों ना आप इस अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करें और आप पैसे बनाएं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकें और अपने साथ लोगों की ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकें. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाएँ, प्लीज़ इन मेथडोलॉजीज़ को समझें, देखें, इनके बारे में पढ़ें. आज जाके गूगल पर लिखें कि हाउ कैन आई मेक मनी विद गेस्ट ब्लॉगिंग पे जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उनको और ज़्यादा पढ़ें, अपने साथ और लोगों के साथ कनेक्ट करें. बिकॉज इफ़ यू कनेक्ट यू विल बिल्ड आइडियाज़. इफ़ यू बिल्ड आइडियाज़ यू विल बी एबल टू मेक मनी. इफ़ यू आर एबल टू मेक मनी यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ पीपल अराउंड यू. स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड लेट्स मेक पाकिस्तान द नंबर वन कंट्री इन द ग्लोबल डिजिटल इकॉनमी.